तो एकदम हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा घर पे बनाए एकदम इजी मेथड से। देखिए हम मिनटों में बिना मावा से हम गाजर का हलवा बना के रेडी कर लिए हैं। और चलिए इसे हम कैसे बनाते हैं और झटपट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि मार्केट में दो तरह का गाजर मिलता है, एक ऑरेंज टाइप का और एक रेड। तो आप यही गाजर, ये गाजर नहीं लें क्योंकि ये मीठा नहीं होता है, और आप ये गाजर चॉइस करें क्योंकि इसमें मीठा ज़्यादा होता है। तो हलवा के लिए आप यही गाजर चुनें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम 1 किलो गाजर लिए हैं और इसको छील के अच्छा से कद्दूकस कर लिए हैं। और चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए देखिए 250 ग्राम दूध लिए हैं और ये मलाई समेत हम लिए हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम कढ़ाई रख दिए हैं और इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। तो देखिए कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब घी डालेंगे और घी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए घी मेरा गरम हो जाएगा, तो जो ये हम कद्दूकस करके गाजर रखे थे इसको डाल के हम भून लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए इसको हम थोड़ी देर तक गाजर को भूनेंगे कि ये मेरा गाजर सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरह से। थोड़ी देर तक इसको हम भूनेंगे। तो देखिए हम गाजर को थोड़ी देर तक भूनेंगे सॉफ्ट होने तक, मेरा गाजर हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए थोड़ी देर तक हो गया है हमको गाजर को भूनते हुए। अब इसी स्टेज पे हम जो ये दूध गर्म करके रखे थे मलाई समेत हम डाल देंगे इसमें और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम आंच पे ही हम इसको पकाएंगे, लो टू मीडियम आंच पे धीमी धीमी हम गाजर को पकने देंगे दूध के साथ और इसको ढक ढक के हम पकाएंगे। तो फ्लेम को देखिए हम मीडियम ही रखे हैं और इसको हम ढक ढक के और बीच बीच में चलाते हुए हम पकाएंगे। तो देखिए मेरा थोड़ी देर हो चुका है, चलिए इसको देखिए चला के देखते हैं और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे कि ये मेरा नीचे लगे नहीं। और इसको लो टू मीडियम आंच पर ही हम पकाएंगे और बीच बीच में हम खोल के चलाते रहेंगे कि ये मेरा नीचे पकड़ ना ले दूध। तो ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हम मीडियम आंच पे ही हम दूध को इतना पका लिए हैं और गाजर के साथ। तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरा थोड़ा पक गया है। तो देखिए और हम तब तक पकाएंगे कि दूध मेरा पूरा सूख ना जाए गाजर के साथ। तो देख सकते हैं फ्रेंड हम मीडियम आंच पर इसको पकाए हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट मेरा पक ही गया है और दूध भी थोड़ा सा बच गया है। तो इसको और थोड़ा हम पकाएंगे दूध को तो और सुखा देंगे हम इसमें, उसके बाद हम आगे का प्रोसेसिंग आपको दिखाते हैं। 250 ग्राम चीनी है और इसे हम अपने हलवे में डालेंगे। तो देखिए हम चीनी डाल दिए हैं और चीनी मेरा देख रहा है कितना पानी छोड़ा है और गाजर का कलर भी देख रहे हैं कितना निखर के आया है।
और इसको हम हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। और चीनी आप कम बेसी अपने जितना आप लोग मीठा खाते हैं उतना कर सकते हैं। गाजर का हलवा थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है। चीनी आप कम बेसी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि गाजर का हम रेड वाला गाजर लिए हैं वो ऑलमोस्ट मीठा ही होता है, इसलिए आप अपने अनुसार कम बेसी मीठा कर सकते हैं। और इसको पूरा हम पानी सुखा देंगे चीनी वाला। तो देखिए गाजर का हलवा ऑलमोस्ट बनके रेडी हो चुका है, और इसे 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे और मेरा हलवा बनके रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा हो चुका है, और इसी स्टेज पे हम थोड़ा किशमिश डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा गाजर का हलवा हो चुका है। अब ये लास्ट में हम क्या करेंगे, आधा चम्मच घी और डाल देंगे इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे। और देखिए मेरा गाजर का हलवा बन के रेडी हो चुका है। अब ऊपर से हम थोड़ा सा काजू डाल देंगे और मेरा गाजर का हलवा बन के रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा हलवा बन गया है। अब चलिए इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स गाजर का हलवा बन के मेरा रेडी हो चुका है, एकदम हलवाई स्टाइल। तो आप घर पे इसे जरूर ट्राई करिएगा। और ये रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।